सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं, ये मैं अपनी जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं, अपने जर्नलिज्म जो मैंने किया उसके आधार पर बोल रहा हूं, वो ये है कि ट्रस्ट ये कह रहा है कि वो मंदिर इतना बड़ा बन गया है कि वहां पर अगर बिल्कुल छोटी वही जो पुरानी रामलला की मूर्ति जो प्रकट हुई थी 1949 में, अगर उसको रख दिया जाएगा तो ऐसे में जो है वो दर्शन ले ही नहीं पाएंगे लोग भक्त, इसीलिए जो 51 सेंटीमीटर की मूर्ति बनाई गई है इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये विग्रह का रूप लेगा। और जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठित पुरानी मूर्ति है विवेक श्रीवास्तव जी सुनिए, वो भी वही गर्भगृह में जगह पाएगी, समझे विवेक श्रीवास्तव जी? अब बताइए अब क्या ऑब्जेक्शन है? पहले पूजा पर ऑब्जेक्शन, क्या वैसे आपको क्या बोलना, आप ये बातें समझ नहीं पाएंगे विवेक श्रीवास्तव जी, धर्म आपके लिए अफीम की तरह। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुन लीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे विवेक भाई, धर्म आपके लिए अफीम की तरह। आप अरे नहीं नहीं वो तो है ही, लेकिन आप ऐसा करिए फिर इसी लॉजिक से माता वैष्णो देवी की जो पिंडियां हैं वो भी बदल दीजिए आप, और उसकी जगह भी एक बड़ी मूर्ति लगा दीजिए। आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, वहां भी शायद मूर्तियां पुरानी हो गई होंगी, छोटी हो गई, उनको भी बदल दीजिए। ऐसे तो हिंदुस्तान के अंदर जितने तीर्थ स्थान है इंक्लूडिंग पशुपतिनाथ, तो ये आप क्या सब कुछ चेंज करेंगे ज्यादा बड़ी विजिबिलिटी के लिए? क्या ये स्टैंड है सनातन धर्म का आज? तो क्लैरिफाई कर दीजिए, मेरे लिए तो रिलीजन अफीम में आप कह रहे हैं, लेकिन आप तो सनातनी है, चिंता तो क्यों कर रहे हैं भाई? सनातन का छोड़ दीजिए, इस पर बहस मत करिए। नहीं मैंने आपने 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 लॉजिक दी, मैंने उसको काउंटर किया। आप यहाँ जो सनातन, चलिए मैं जवाब नहीं देता, मैं जवाब दूंगा तो आपका और मेरा शास्त्रार्थ हो जाएगा विवेक भाई। शैलोमणि त्रिपाठी से इसका जवाब ले लेते हैं, जो मुझे पत्रकार के तौर पर पता था वो जानकारी मैंने दे दी। शैलोमणि त्रिपाठी जी बताइए, वो करेंगे जो किशोर विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं? देखिए ये धर्माचार्यों का विषय है दीपक भाई, ये विषय दीपक चौरसिया, शैलोमणि त्रिपाठी और खुद को नास्तिक कहने वाले को विवेक श्रीवास्तव तय नहीं करेंगे। ये हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे धर्माचार्यों ने, व्यवस्था पहली बार नहीं है ऐसी व्यवस्था, बहुत सी जगहों पर जाइए आप, बाकी विंध्याचल में देखिए बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, जो दर्शनार्थी होते हैं उनके लिए एक अलग तरह की एक प्रकृति बनाई जाती है, प्रतिकृति बनाई जाती है। तो वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, मैं सुन रहा था, इनमें से एक महोदय अपने आप को नास्तिक कहते हैं, वो कहते हैं धर्म एक अफीम है, लेकिन उनकी औकात ये नहीं है कि वो कभी मजहब को अफीम बता सके, धर्म को अफीम बताना बहुत आसान है। पूछ लेते हैं भाई, आपने बोला हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को भारती क्या, धर्म आपके लिए अफीम है तो मजहब भी आपके लिए अफीम है विवेक श्रीवास्तव जी, बताइए जी। अरे भाई मैंने तो, आपने एक तथ्य बोला, मैंने एक साइंटिफिक क्वेश्चन किया। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर धर्म अफीम है तो मजहब भी आपके लिए अफीम है, हाँ या ना जी? देखिए वो हर चीज, अरे हाँ या ना, जवाब दीजिए ना विवेक श्रीवास्तव जी, इंटॉक्सिकेट करके सुन लीजिए ना सर, अब वो मजहब कहिए, धर्म कहिए, पंथ कहिए, जो मर्जी कहिए, अगर आपको कोई चीज कॉमन सेंस से दूर करती है और आपको विषैला बनाती है तो वो अफीम है, और उससे दूर रहना उचित है समाज के लिए। आप व्यक्तिगत जीवन में धर्म का पालन करिए, उसमें लेफ्टिस्टों को कम्युनिस्टों को कोई गुरेज नहीं है। आप रोज पूजा करें सर, आप भगवान राम का रोज स्मरण करें, आप रोज ध्यान लगाएं, और आप दसियों बार जो मुसलमान है नमाज पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़क पे ला करके डीजे बजा के प्रदर्शन मत करिए और वैमनस्य मत करिए समाज में, इससे हमें गुरेज है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, शैलोमणि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं जी, दीपक जी मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये विषय उनका कतई नहीं है, जो खुद को नास्तिक कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। आपको क्या मतलब भाई, आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमारा मंदिर है, हमारे लोगों का मंदिर है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, और हमारे समाज के लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ आज राम मंदिर का वहां पर देखने जा रहे हैं, कार्यक्रम होने जा रहा है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो करने दीजिए, हमारे धर्माचार्यों को तय करने दीजिए, हमारे विद्वानों को तय करने दीजिए, हमारे ऋषियों मुनियों को तय करने दीजिए। आप इसमें बीच में कहां से चले आए अपनी टांग फंसाने? आपको जब बोलना हो, आपको जहां बुलाया जाए आप वहां बोलिएगा, लेकिन जितनी आसानी से आप हमारे धर्म के बारे में बोल लेते हैं, उतनी आसानी से आप मजहब के बारे में नहीं बोल पाते। अभी दीपक जी ने आपसे सवाल पूछा तो दाएं बाएं झांकने लगे कि नहीं साहब ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि रंग में भंग मत डालिए। इस वक्त आज दीपक जी ने वो तस्वीर दिखाई है, दीपक जी आपकी जो आपके टेलीविजन पे हम सब देख रहे हैं, हम सबके लिए बहुत भावुक क्षण है।
और हम तो कोटि कोटि धन्यवाद देंगे अपने पूर्वजों को, अपने हमारी जो पीढ़ियां बीती हैं, जिन्होंने इस बात की प्रतीक्षा में अपना जीवन गुजार दिया कि कब ये फैजाबाद अयोध्या होगा, कब वहां पर भगवान राम का मंदिर बनेगा। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए आज बहुत स्वर्णिम काल है, हमारे लिए बहुत स्वर्णिम दिन है, अमृत काल है। इस रंग में भंग डालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपकी कोशिश से कुछ होगा नहीं, आप जरूर बेनकाब होंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा देश नहीं पूरी दुनिया के राम भक्त उत्साह उमंग में डूबे हुए हैं। उनको पता है कि ये भगवान राम ने चाहा है, तभी आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का ऋणी रहेगा यह पूरा देश, प्रधानमंत्री जी का कर्जदार रहेगा पूरा यह देश, कि जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में आज एक प्रकार से सनातन को इस ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है कि आज हिंदू समाज के लोग सनातनी इस बात को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि भगवान राम के जिस मंदिर को बहुत बर्बरता के साथ ध्वस्त किया गया था, आज हमारी पीढ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आप कहते रहिए, आप बुराई करते रहिए, आप रंग में भंग डालने की कोशिश करते रहिए, लेकिन हमारे उमंग और उत्साह को आप कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारिका पासवान जी के पास चलता हूँ। सारिका पासवान जी, निषाद राज को राज दिया, गले से लगाया, निषाद राज उनके साथ पड़े, उन्होंने भगवान तो कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सारिका पासवान जी के पास जाऊंगा। विवेक जी कह लीजिए, जोड़ लीजिए अपनी बात। 10 सेकंड श्रीमान जी, नहीं ये 10 सेकंड में यही कहूंगा, ये रैली का भाषण उन्होंने दे दिया शलभ मनी जी ने, और सुना भी नहीं मुझे। मैं तो कह रहा था साहब, मेरा आप भी रैली कर लीजिए यहाँ पे, वैसे भी आपको आजकल सुनने कोई आता नहीं लेफ्ट वाले। नहीं कर लीजिए जी, आप भी एक मिनट बोलिए। शंकराचार्य को भी मैं पूरे 50 मिनट आपको समर्पित करता हूँ। नहीं शंकराचार्य को नहीं, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, 10 ही सेकंड लूंगा। मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य को भी हिंदू समाज से शलभ मनी जी ने बाहर कर दिया। शंकराचार्य प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि मूर्ति का रिप्लेसमेंट क्यों हुआ? आप बोले ना, लॉजिक नहीं है आपके पास, उत्तर नहीं है शलभ मनी जी के पीछे। रैली की तरह भाषण दिया जा रहा, आंसर दी शंकराचार्य, द क्वेश्चन इज फ्रॉम शंकराचार्य, मेरा प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा है मंदिर में मूर्ति का रिप्लेसमेंट क्यों हुआ, आप दीजिए ना उत्तर शंकराचार्य को, या बोल दीजिए शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं है, बोल दीजिए इज नॉट नीडेड, और चारों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या स्टैंड है आपका ये बताइए, सवालों से भागने से क्या स्टैंड है आपका? शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? दीपक जी मैं कौन होता हूँ? यही प्रश्न पूछा ना मैंने, पूछा है जी, जवाब तो ले लीजिए। मैं कोई नहीं होता बाहर करने वाला, लेकिन ये समय, ये सनातनी समाज जो है वो खुद अपने आप ऐसे लोगों को छांट के बाहर कर देगा जो इस वक्त रंग में भंग डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे लोग भी जो टीवी चैनलों पर बैठ के बड़े गर्व के साथ कहते हैं मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है और मैं नास्तिक से एक प्रश्न पूछा। अरे दीपक जी को रोकिए, ये बड़ी सुंदर तस्वीर आ रही है शलभ जी, एक मिनट रुक जाइए। एक बड़ी सुंदर कार में कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, अभी आ रहे हैं योगी। देखिए योगी जी आज बहुत एक सुंदर सी कार में जो है घूम रहे हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं आरती उतारते हुए। ये हवन कुंड दिखाई दे रहा है, और ये महादेव मंदिर, ये भी अयोध्या का है, यहाँ पर भी वो पूजा करते हुए हनुमानगढ़ी भी गए थे वो। ये देखिए ये हनुमानगढ़ी की तस्वीर है, पीछे महंत राजूदास दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने तैयार, देखिए यहाँ पे ये हवन कुंड बनाए गए हैं, जहाँ पर तमाम लोग हवन, तमाम हमारे साधु संत ऋषि मुनि जो भी पहुँचेंगे वो यहाँ पर हवन करेंगे, और ये शानदार सी एंटीक कार के अंदर अयोध्या शहर को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी। जी कौन बोल रहा था अभी? विवेक श्रीवास्तव जी। हाँ दीपक भाई मैं बोल रहा था, सॉरी। ये समय ऐसे हर व्यक्ति को छांट कर किनारे कर देगा और इतिहास लिखा जाएगा, बहुत स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। और ये देश, ये समाज, ये सनातनी लोग, उन लोगों को छांट के बोलने दीजिए उन लोगों को छांट के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया का प्रयास किया, जिन्होंने पूरे उत्साह भरी करेंगे आप यहाँ बैठ के टीवी पर पर कुछ बुरा कहा, कुछ भला कहा, कुछ अनावश्यक कहा, मुझे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। ये पीढ़ियां, ये समाज ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है विवेक जी, और आप जैसे लोगों को तो बोलने का इसलिए अधिकार नहीं क्योंकि आप कहते हैं विवेक श्रीवास्तव मेरा नाम है, मैं नास्तिक हूं। तो किसी नास्तिक को हमारे धर्म के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो जाके किसी मजहब के बारे में बोल कर आइए। अच्छी बात है, शंकराचार्य भी चुप रहेंगे इस देश में, के बारे में नहीं बोल सकते। आप जैसे नास्तिक को बोलने का अधिकार, जो अपना नाम विवेक श्रीवास्तव लिखता है और बोलता है कि मैं नास्तिक हूं, तो आप बड़ी बात करें। मैंने शंकराचार्य को कोट किया है, आपके पास उत्तर नहीं है। भाजपा के लिए वोट मांगने आप उतरे हैं राम के नाम पे, वहां पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने धर्मगुरुओं को बोलेंगे आपकी आवाज कट जाएगी। प्लीज आप बहुत अच्छी तरह तकनीक को समझते हैं शलभ भाई, आप जैसे ही तेज बोलेंगे आगे होके बोलेंगे। Zine.